हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज बच्चों क्लास फोर सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर थ्री आपका चल रहा है बेटा एडिशन। ठीक है, चैप्टर नंबर थ्री एडिशन। ये चैप्टर आपका थर्ड चल रहा था और इसमें जो है हमने पिछली क्लास में पिछली वीडियो में जो है वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम इसके बारे में पढ़ा। एग्जाम्पल इसमें आपका देखा फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, इसमें आपके वर्ड प्रॉब्लम में आपके थ्री एग्जाम्पल दिए गए थे, इसमें आपको दो एग्जाम्पल बताए गए बेटा। ठीक है, और इससे रिलेटेड आपका जो वैसे 3.3 था, इसमें आपको टोटल 6 क्वेश्चन पेज नंबर 28 और 29 पे दिए गए थे। ठीक है बच्चों, तो इन क्वेश्चनों को जो है आपको होमवर्क ग्रुप में सॉल्व करने के लिए दिया गया था। इसमें पहला क्वेश्चन हमने आपको कंप्लीट कराया था, ठीक है, और बाकी जो सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ये क्वेश्चन थे आपको जो है होमवर्क ग्रुप में करने के लिए बेटा दिया गया है। और आशा करते बच्चों आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे। और आज जो बेटा इसी पेज के 29 पे आपका क्या है कम्युलेटिव रिविजन, ठीक है, इसे हम आज पढ़ेंगे कम्युलेटिव कम्युलेटिव रिवीजन। ठीक है बेटा, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर ए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है ए फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक। ठीक बेटा, फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन नंबर है आपका, इन द ब्लैंक यानी रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें बेटा पहला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर टू प्लस, यहां पर आपका इन द ब्लैंक है इज इक्वल टू सिक्स। ठीक है, ये दिया था हमारा क्वेश्चन टू प्लस सर्कल दिया है यानी ब्लैंक, इसमें आपको फिल करना है इज इक्वल सिक्स। ठीक है, यानी टू में बेटा आपको जोड़ना है, ठीक है, टू में आपको क्या करना है ऐड करना है, आप क्या ऐड करेंगे या आपका जो सम है जो इज इक्वल है आपका क्या आ जाए सिक्स हो जाए। ठीक है, टू प्लस फिर द ब्लैंक इज इक्वल सिक्स दिया हुआ है, तो आप टू बेटा टू में आप कौन सा नंबर ऐड करेंगे, कौन सी संख्या ऐड करेंगे जोड़ेंगे कि आपका जो सम है जो योगफल है आपका सिक्स हो जाए। तो क्या करेंगे आप, इस जो टोटल नंबर आपका है जो टोटल आया है उसमें से जो अपने वन एडिट है, ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे सब्ट्रैक कर देंगे, इसमें से टोटल में से जो है इसको सब्ट्रैक कर देंगे तो आपका जो है आंसर आ जाएगा। आइए देखिए बेटा, तो यहाँ क्या करेंगे सिक्स में से हम इस टू को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, आपका आ जाएगा 6 माइनस 2 तो यही बेटा जो आपका 4 आया है। ठीक है, यही अगर आप 2 में ऐड कर देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। ये देख लेते हैं यहाँ पे ऐड करेंगे हम 4, ठीक है, बोल लीजिए तो 2 प्लस 4 इक्वल क्या है आपका 6। ठीक बेटा, तो इस प्रकार जो है आप इसे स्क्रीन द ब्लैंक से सॉल्व करेंगे, 2 प्लस द ब्लैंक दिया था इक्वल आपका टोटल 6 आया था, तो टोटल में से बेटा इस 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 6 माइनस 2 करेंगे तो आपका आया 4, तो इस 4 को हम क्या करेंगे स्क्रीन द ब्लैंक में फिल कर देंगे, तो 2 प्लस 4 इज इक्वल आपका 6। ठीक है, इस तरह से जो है पहला क्वेश्चन आप सॉल्व कर देंगे। आइए देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये फर्स्ट आपका दिया है,
40 इज इक्वल 60। ठीक है, थ्री इन द ब्लैंक सर्कल दिया है, प्लस 40 इज इक्वल 60। आपका टोटल जो आया है, सम जो आया है दोनों का, यहाँ पे एक नंबर आपको मिल रहा है तो पहले सबको दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें नंबर में जो 40 है, आप इसमें कौन सा संख्या जो है, कौन सा नंबर ऐड करेंगे कि आपका जो सम है जो टोटल बेटा 60 हो जाए। ठीक है, तो बेटा आप जो है क्या करेंगे, टोटल में से एडेंट को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका जो आएगा वही आप इसमें फिल कर देंगे। ठीक है, यही सॉल्व करते हैं। तो 60 -40, ठीक है, 60 आपका टोटल है, सम है 60 -40, सब्ट्रैक्ट करें बच्चों, तो 0 में से 0 आपके जाएगा, तो 0 और 6 माइनस 4 कर देंगे, 6 माइनस 4 करेंगे बेटा तो आपका आ जाएगा 2, 6 माइनस 4 इज इक्वल 2, यानी क्या आएगा आपका आंसर 20। ठीक है, आंसर क्या आएगा आपका 20 आएगा। तो इसी ये जो 20 है बेटा, इसको आप 20 प्लस 40 कर देंगे तो आपका हो जाएगा इक्वल 60। ये देखते हैं आपको कर देंगे 20। ठीक है, 20 प्लस 40 इज इक्वल 60। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये फिल द ब्लैंक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड था। उसके बाद दो क्वेश्चन जो बचे हुए हैं, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया था, टू हंड्रेड प्लस 400 इज इक्वल 3 + 8 = 8 ठीक है बेटा, ये इसमें आपके कंप्यूटर डिवीजन में क्वेश्चन नंबर एक आ जो है फिल द ब्लैंक में आपका, तो टोटल 4 क्वेश्चन है जिसमें हमने आपको 2 क्वेश्चन कंप्लीट किया बेटा, और ये 2 क्वेश्चन 3 और 4 जो है आप होमवर्क रूप में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ए में क्वेश्चन नंबर 5, ये 4 क्वेश्चन थे, इसका 5 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है ए का, दिया बच्चों इन द नंबर सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे एक नंबर सेंटेंस दिया हुआ है, इन द नंबर सेंटेंस क्या क्वेश्चन, इन द नंबर सेंटेंस, इन द नंबर सेंटेंस 14 + 23 इज इक्वल 37। ठीक बच्चों, ये नंबर सेंटेंस दिया हुआ है, इन द नंबर सेंटेंस 14 + 23 इज इक्वल 37। ये नंबर सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें पूछा जा रहा है बेटा, इस नंबर सेंटेंस में कह रहा है ए, क्वेश्चन नंबर 5 में ए बेटा कह रहा है नंबर द नंबर 14 एंड 23 आर ऑड।
ठीक बेटा ये दिया है आपका। कह रहा है नंबर सेंटेंस है, इन द नंबर सेंटेंस, इस नंबर सेंटेंस पे जो 14 प्लस 23 इक्वल 37 है, इस नंबर सेंटेंस पे आपका जो फर्क सुन गया है, द नंबर 14 एंड 23 आर कॉल्ड, ये जो नंबर दिया है 14 और 23 ये क्या कहलाएंगे, ठीक है, ये क्या कहलाएंगे या क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो जो आप जो है इसे क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे बेटा, अभी आपने बताया गया कि ये जो है 14 प्लस 23 ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं बेटा एडेंड, ठीक है, क्या कहलाते हैं एडेंड कहलाते हैं। तो इसे हम कह देंगे द नंबर 14 प्लस 23 ठीक है आर साल एडेंड, ठीक है, एड वर्डी ठीक है बेटा। ये जो 14 और 23 है ये क्या कहलाएंगे, एडेंड, ठीक है। इसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर बीस में पूछा गया है द नंबर 37 इज कॉल्ड, ठीक है, ये जो नंबर 37 है, द नंबर 37 इज कॉल्ड, द नंबर 37 इज कॉल्ड, ठीक है बेटा। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 प्लस 23 ये दिया था, उसको पूछा था कि उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे आप एडेंड बताएंगे बेटा, और इसके बाद जो आपसे पूछा जा रहा है उन दोनों को जोड़ने के बाद जो आपका आंसर आया है पूरे 37 उसे पूछा जा रहा है कि द नंबर 37 इज कॉल्ड, 37 को क्या कहेंगे, तो आपको पता होगा ये 37 क्या कहलाता है, आपका क्या कहलाएगा टोटल, क्या कहलाएगा टोटल, ठीक है, टोटल कर सकते हैं या फिर सम भी कर सकते हैं, उनका योगफल है, ठीक है, 14 प्लस 23 का क्या कहलाएगा टोटल कहलाएगा, या फिर इसका इन दोनों का जो है यह सम भी कहलाएगा, ठीक है, योगफल याद रखने के लिए द नंबर 37 इज कॉल्ड टोटल। ठीक है, क्या कहलाएगा बेटा, टोटल कहलाएगा, टी ओ टू ए एल, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर ए फिल द ब्लैंक, ठीक है, इसमें कुल टोटल आपके 5 क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। और इसके बाद देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर बी, ये आपका कंप्लीट हो गया, 5 क्वेश्चन थे, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी का एक्सप्लेन टू वे टू वे टू फाइव 53 प्लस 19, ठीक बच्चों, ये दिया आपका एक्सप्लेन टू वे, ठीक है, 53 प्लस 19 आपको जो है दो प्रकार से ठीक है, दो प्रकार से आपको जो है 53 प्लस 19 का जो है
क्या करना है, फाइंड करना है, एक्सप्लेन करना है इसको। ठीक है बेटा, आइए देखते हैं एक्सप्लेन करने के। तो इसको बेटा हम क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टीज का जो है क्या करते हैं, क्रम जो है बदल करके क्या कर सकते हैं, इसको हम प्राप्त कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ से आपका हो जाएगा पहला जो का होगा टू ए दिया है, तो पहला बच्चा क्या करेंगे 53, क्या करेंगे 53 प्लस 19 ये हो जाएगा आपका, इसको बेटा ऐड कर देंगे, इसको बेटा ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा आपका 9 3 3 9 3 9 तो हो जाएगा आपका 12। ठीक है, 3 प्लस 9 12 हो जाएगा, 12 को लिखेंगे 2 क्या हो जाएगा 1 उसका 5 और 1 5 और 1 ऐड करके आपका 6 और कैरी कौन है तो 6 प्लस 1 आपको हो जाएगा 7 यानी क्या आपका 72 ये पहला हो जाएगा 53 प्लस 19 इक्वल 72। और दूसरे प्रकार से सेकेंड वे आपका हो जाएगा अपना 19 प्लस 53 इस तरह से कर लेंगे तो बेटा वही 9 3 आपका 12 होगा, 9 3 12 12 2 कैरी 1 उसके बाद नेक्स्ट बेटा आपका है 1 प्लस 5 6 और कैरी 1 है आपका 1 मिल जाएगा 7। ठीक बच्चों, तो इस तरह से जो है आप इसके दो तरह से जो है आंसर प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन नंबर 20 था और उसके बाद का दिया है ये क्वेश्चन नंबर 20 का पहला। ठीक बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 20 का पहला क्वेश्चन था, उसके बाद बी में आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड करें आगे टू आर ऑफ प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू ऑर्डर प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है, यानी ऑर्डर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जिसे आपको सॉल्व करना है, यानी कि बता सकता है 40 प्लस 28 इज इक्वल 68 ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, 40 प्लस 28 इज इक्वल 68 ये दिया हुआ है, एंड इन द ब्लैंक प्लस इन द ब्लैंक इज इक्वल 68। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन यानी जोड़ के जो है क्रम विनिमय नियम के अनुसार जो है प्रॉपर्टी के अनुसार जो है आपको इसे सॉल्व करना है। दिया था 40 प्लस 28 इज इक्वल 68 तो यहाँ से आपका क्रम जो है क्या करेंगे बदल देंगे, ऑर्डर प्रॉपर्टी के अनुसार जो है इसका हम क्रम क्या करेंगे बदल देंगे, तो यहाँ पे आप कहा 40 है इसके साथ क्या हो जाएगा 28 और 28 के साथ क्या हो जाएगा प्लस 40 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा ये 28 यहाँ हो जाएगा 28 प्लस 40 इज इक्वल 68। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन के अनुसार जो है आप इसको सॉल्व कर लेंगे, क्रम बदल देंगे 40 प्लस 28 का 68 यहाँ क्या हो जाएगा 40 के साथ 28 और 28 के साथ क्या हो जाएगा 40। ठीक है बेटा, और इसी का बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3 करा इज द मिसिंग नंबर
ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट मिसिंग नंबर इज द मिसिंग नंबर इज इन नंबर इन बॉक्स प्लस थ्री इज इक्वल 15, ठीक है। द सेम एज द मिसिंग, द सेम एज द मिसिंग नंबर थ्री प्लस इज इक्वल 50, ठीक है। क्वेश्चन इसे आप बेटा सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो है आप देखते हैं इसमें क्वेश्चन बताया गया आपको, यहाँ पे क्वेश्चन बताया गया था प्लस 30 में क्या ऐड कर दें कि आपका 15,000 सेम है, तो इसमें भी जो नंबर इसमें मिस है बिल्कुल वही नंबर इसमें भी मिस है, ठीक है। यानी दोनों में क्या होगा, सेम नंबर होगा। इसे आप जो है होमवर्क रूप में बेटा सॉल्व करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन आपका है फोर, फाइंड ईच मिसिंग नंबर, फाइंड ईच मिसिंग नंबर, ठीक है। आपको जो है मिसिंग नंबर क्या करना है, फाइंड करना है, प्राप्त करना है। पहला आपका है ए इन द ब्लैंक, अगर टू मिला है प्लस फोर इज इक्वल 19, ठीक है बेटा। और बी है आपका क्वेश्चन नंबर बी, बॉक्स इन ब्लैंक प्लस 5 इज इक्वल 19, ठीक है। ये आपकी जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन जो बेटा आप होमवर्क ग्रुप में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसमें जो आपको बताएगा पहले क्वेश्चन का ए में आपका दो क्वेश्चन बचा हुआ था और बी में भी आपका जो है दो क्वेश्चन है, तो ये जो दो बचे हुए क्वेश्चन है दोनों आप होमवर्क ग्रुप में कंप्लीट करेंगे। और बेटा नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे आपका दिया है पेज नंबर 30 पे कम्युनिटी डिविजन का क्वेश्चन नंबर सी एंड डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी एंड डी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों एंड टेक केयर।